नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए प्रधानमंत्री ने युवाओं को फिट रहने के दिए संदेश। 7वें वेतनमान को लेकर विश्वविद्यालय में कभी भी फूट सकता है शिक्षकों का आक्रोश। भुष्टा ने अधिकारियों पर टाल मटोल करने का लगाया आरोप। शराब के नशे में उत्पात मचा रहा दो शराबी चरा पुलिस के हत्थे। नाथनगर थाना क्षेत्र से हुआ गिरफ्तार। बांका विकास मंच की ओर से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। विधायक सहित सैकड़ों युवाओं ने किया रक्तदान। और भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को किया याद। और अब खबरें विस्तार से। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गुरुवार को भागलपुर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेल दिवस पर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत TNV कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना और विपरीत परिस्थिति में भी देश के विभिन्न कोनों में जाकर खेल गतिविधियों में भाग लेने का संकल्प लिया। इसके पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ डीएन राय, एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ अनिरुद्ध कुमार, डॉ सुमन कुमार, डॉ राजीव कुमार और डॉ बेलाल अहमद ने छात्रों को खेल का महत्व बताया और स्वस्थ भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने की बात कही। प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्वस्थ दिमाग पढ़ाई और समाज के लिए सर्वोत्तम होता है, जबकि एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ अनिरुद्ध कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रधानमंत्री के फिट इंडिया कार्यक्रम को युवाओं के लिए महत्वपूर्ण बतलाया। राष्ट्रीय खेल दिवस आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे भारत में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संदेश सभी बच्चों के लिए यह है, बच्चे स्वस्थ रहें, स्वस्थ दिमाग पढ़ाई और समाज के लिए सर्वोत्तम होता है। इसलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से यह आग्रह है, सुबह जल्दी उठें, अपने दिनचर्या करें, वॉक करें, दौड़ें, फिर स्कूल कॉलेज जहाँ भी वो पढ़ते हैं कक्षा में आएं, स्वस्थ दिमाग से आएंगे, अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे, जिससे कि हमारा भारत एक अच्छा स्वस्थ दिमाग वाला देश बनेगा और उत्तरोत्तर हमारा विकास होगा। पूर्व संस्कृति की तरह हम आगे चल के विश्व गुरु बने। पूरे भारतवर्ष में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के तहत TNV कॉलेज NSS यूनिट द्वारा इसका यहां पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है नवंबर 25 में। और इसमें ये आह्वान किया गया है कि आप लोग फिट रहें, आप खेल नृत्य और जितने भी एक्टिव हम लोग एक्टिव रहें, एक्टिविटी करें, फिट रहें, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा तो भारत स्वस्थ होगा। वहीं खेल दिवस को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्टेडियम से क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। क्रॉस कंट्री रेस में SM कॉलेज के खिलाड़ी विनर रहे, जबकि TNV कॉलेज को रनर का पुरस्कार मिला। वहीं प्रतियोगिता में सफल खिलाड़ियों का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने किया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान विजय खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं भागलपुर BN कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर ने NCC और NSS के छात्र छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में खेल दिवस की शपथ दिलाई और खेल के माध्यम प्रेम और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की बात कही। मौके पर डॉक्टर फिरोज आलम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर अंबिका कुमार, अनुपम आनंद वर्धन, डॉक्टर रविशंकर समेत कई शिक्षक कर्मचारी और छात्र छात्रा मौजूद रहे। 7वें वेतनमान को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का आक्रोश कभी भी फूट सकता है। इसको लेकर भुष्टा के पदाधिकारियों के तेवर तल्ख हो गए। गुरुवार को शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी सप्तम वेतनमान लागू करने में
मनमानी कर रहे। बुस्टा के अध्यक्ष प्रोफेसर डीएन राय ने कहा कि 17 जुलाई को ही तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने सातवां पे लागू करने का आदेश दे दिया था, लेकिन आज तक इसे नोटिफाई नहीं किया गया। वहीं संघ के महासचिव प्रोफेसर जगधर मंडल ने 154% महंगाई भत्ता लागू नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि बिहार सरकार ने जनवरी 2019 से ही इसे लागू कर दिया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर उदासीन बना हुआ है। शिक्षक संघ के डॉक्टर एसके झा ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिक्षकों को अविलंब प्रोन्नति देने और सीनेट एवं सिंडिकेट में शिक्षक प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग की। साथ ही संघ ने 2017 में बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त हुए शिक्षकों की सेवा संपुष्ट करने की बात कही। सातवां पे स्केल सरकार ने लागू कर दिया है और उन्होंने हाईकोर्ट में भी हलफनामा दिया है कि मैंने सातवां पे स्केल लागू कर दिया है। और विश्वविद्यालय में जब एमजेसी का मामला आया तो 28 तारीख को 4 लोगों को सातवां पे स्केल के अनुसार ही पेमेंट कर दिया गया है। पूर्व कुलपति लीला चंद शाह जी ने सातवां पे स्केल लागू करने के लिए 17 जुलाई 2019 को ही आदेश जारी कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन आज तक नहीं हुआ। अगर यह नोटिफिकेशन हो गया रहता जो विश्वविद्यालय वाहवाही लूटता है कि हम जिस दिन रिटायर होते हैं उनका सारा बाकी बकाया दे देते हैं, तो इन लोगों को भी 31 तारीख को 20 लाख रुपया ग्रेचुटी सबों को मिलता, जिस जो नहीं मिल पा रहा है। दुखद बात है, कुलपति जी से हम लोग समय मांगते तो देते नहीं हैं और विश्वविद्यालय की जो कार्य प्रणाली है बड़ा ही शिथिल हो गया है। तो हम कुलपति से मांग करते हैं, आप गतिशील बनाइए विश्वविद्यालय को। लोगों का एरियर बाकी है, लोगों का प्रमोशन बाकी है, लोगों को सातवां पे स्केल चाहिए। पटना विश्वविद्यालय ने 154% 1/1/19 से लागू कर दिया, क्या भागलपुर लागू नहीं कर सकता? बिहार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा 148 के स्थान पर 154% महंगाई भत्ता भुगतान करने के लिए पत्र आ चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय ने अभी तक इस संदर्भ में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं किया है। इससे विश्वविद्यालय कार्यालय पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ, सवालिया निशान खड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय पूर्णतः शिथिलता से आगे बढ़ रहा है, विश्वविद्यालय में कोई भी गतिशीलता नहीं है, न शिक्षकों का कार्य हो रहा, न कर्मचारियों का कार्य, न छात्र हित में कार्य हो रहा। इस संदर्भ में हम लोग कुलपति से भी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक समय नहीं दिया है कि समस्याओं का निदान हो। और हम लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के साथ मिलजुल करके शिक्षक कर्मचारी विश्वविद्यालय हित में कार्य किया जाए, इसी गतिशीलता प्रदान की जाए। नाथनगर पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा कर रहे दो युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराबी की पहचान श्री रामपुर निवासी कमलेश्वरी मंडल के पुत्र सिंकू मंडल और शिव पासवान के पुत्र कुंदन पासवान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हसनाबाद के समीप दोनों युवक नशे में होने के कारण हंगामा कर रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। बांका विकास मंच की ओर से गुरुवार को बांका सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया और आम लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान धौरैया विधायक मनीष कुमार और नगर विकास विभाग की पीआरओ रानी चौबे ने भी रक्तदान किया। बांका विकास मंच के अध्यक्ष उधम सिंह ने कहा कि बांका सदर अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं रहने के कारण इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अध्यक्ष ने सदर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक खोलने के लिए सांसद गिरधारी यादव को आवेदन देकर पहल करने की बात कही। मनीष कुमार जो है वो सबसे पहला रक्तदान किए हैं और जयपुर का ये गिरधारी जी जो एमपी है मैया के वो भी आए हुए हैं और सारे जिला के जितने भी पार्टी के लोग हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बांका के जितने भी सरकारी संस्थान हैं, एनजीओज हैं, उन्होंने हमको सपोर्ट किया है। मारवाड़ी संघ के सारे लोग हैं, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है। उम्मीद है कि ये पार्टी से उठ कर ये संस्था काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग फिर ब्लड डोनेशन के लिए एक्सप्लोर करेंगे और हमारा अभी एक और मांग है कि यहाँ पे एक ट्रोमा सेंटर है मेडिकल के लिए, जो कि हम लोग जल्दी ही चलाएंगे। भागलपुर के तिलका मांझी जबारीपुर स्थित एक विवाह भवन में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को याद किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने अरुण जेटली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और नमन किया। जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि भाजपा को मजबूती प्रदान करने एवं देश के विकास में अरुण जेटली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भाजपा के साथ पूरा देश उनका योगदान भुला नहीं पाएगा। साथ ही कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को
अरुण जेटली के व्यक्तित्व एवं राजनीतिक जीवन से सीख लेने की जरूरत है। इस दौरान दिलीप निराला, अभिनव सिंह, नभय चौधरी, संतोष कुमार, रोशन सिंह समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किया। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले माननीय अरुण जेटली जी की श्रद्धांजलि सभा का आज का यह कार्यक्रम है। वे जेटली जी ऐसे बिरले नेताओं में से एक रहे भारतीय जनता पार्टी के, जो दल में रहकर दल की रीति नीति के साथ राष्ट्रीय विचारधारा के साथ काम करते हुए विपक्षी दलों के नेता से भी उतने ही मधुर संबंध के साथ उन्होंने एक जो राजनीति में एक आयाम कायम करने का काम किया है। ऐसे हमारे श्रद्धेय नेता अरुण जेटली जी के श्रद्धांजलि सभा में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की यह अपूर्णीय क्षति है, और न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे देश में एक राजनीतिक रिक्तता का एक भाव आया है। आज हम सभी कार्यकर्ता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से कामना करते हैं कि हम सभी लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के समाहरणालय मुख्य द्वार के समीप गुरुवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष रवि शेखर भारद्वाज के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान रालोसपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहे हमले पर सरकार एवं प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए रालोसपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले काफी दिनों से रालोसपा नेताओं को अपराधियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि कुछ कार्यकर्ता की मौत भी हो चुकी है। सरकार रालोसपा युवा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी करे और सुरक्षा प्रदान की जाए। इस मौके पर ओम भास्कर, सुमन प्रसून, दीपक चौहान, नीरज सिंह कुशवाहा समेत कई रालोसपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज 29 अगस्त 2019 को हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिला भागलपुर की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन रखे हैं, और यह धरना इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि हमारे प्रदेश युवा के अध्यक्ष पे विगत कुछ दिनों पहले जानलेवा हमला अकबरनगर में हुआ था और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग पे लगातार हमले होते रहे हैं, जिसमें कई एक लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो हम अपने प्रदेश युवा के अध्यक्ष को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आज का यह धरना का कार्यक्रम रखे हैं। भागलपुर समाहरणालय परिसर में 24 सूत्री मांग को लेकर सीपीआईएम की ओर से गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया गया। धरना का नेतृत्व सीपीआईएम के जिला सचिव दशरथ प्रसाद शाह ने किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सुविधा मुहैया कराने के लिए राहत शिविर लगाने, बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव की व्यवस्था करने, अनुदान राशि वितरित करने, किसानों की रबी की फसल बुआई के लिए खाद बीज उपलब्ध कराने, पर्चाधारी भूमिहीन किसानों को दखल कब्जा दिलाने,
एवं रानी दियारा, तौफिल दियारा, टपुआ दियारा के कटाव पीड़ितों के लिए पुनर्वास की भी व्यवस्था करने के साथ कई मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। दशरत प्रसाद ने कहा कि सरकार भूमिहीनों, किसानों, बाढ़ पीड़ितों एवं गरीबों को अविलंब सुविधा मुहैया कराए और आपराधिक वारदातों पर भी रोक लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर करने के लिए विद्यालय भवन और स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराए। इसके अलावा एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर मनोहर मंडल, बिमल पोद्दार, उपेंद्र यादव, सुभाष तांती समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। यह धरना 24 सूत्री मांगों को लेकर के दिया गया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की ओर। यह धरना हमारा सुबह 11 बजे प्रारंभ हुआ और अभी समाप्त हुआ है। हमने मांग किया है कि जो रानी दियारा, टपुआ दियारा और तोफिल दियारा, 58 दियारा जो कटाव पीड़ित इलाका है, वहाँ के कटाव पीड़ितों को पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। भागलपुर के भीकनपुर स्थित परिधि कार्यालय में गुरुवार को जल संकट एवं संरक्षण को लेकर पानी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान परिधि के निदेशक उदय ने युवाओं को नदी, तालाब एवं तमाम जल स्रोत का संरक्षण करने और पानी बचाने से संबंधित प्रशिक्षण दिया। युवाओं द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जल संचय एवं संरक्षण के लिए जागरूक करने की बात करते हुए उदय ने कहा कि यदि अभी भी समाज जल संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं हुआ तो आने वाले समय में भीषण जल संकट से जूझना होगा। इस दौरान 30 युवाओं को जल साथी बनने का शपथ दिलाया गया, जिससे जल संरक्षण के लिए युवा ग्रामीणों को पानी बचाने को लेकर जागरूक कर सकेंगे। इस मौके पर राहुल, जय नारायण, मनोज, चंदा देवी, मनीषा, मंजीत समेत कई युवक एवं युवती भी मौजूद थे। राष्ट्र सेवा दल एवं पीस सेंटर परिधि की ओर से गुरुवार को भागलपुर के स्टेशन चौक पर प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। प्रतिवाद सभा में गांधीवादी कुमार प्रशांत ने समाज कर्मियों के उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कायम रहे, इसके लिए लगातार प्रयास किया जाएगा, लेकिन वर्तमान सरकार अपने खिलाफ बोलने वाले समाज कर्मियों एवं गांधी विचारकों पर नकेल कसने का कार्य कर रही है। इस मौके पर जय नारायण, उदय, राहुल, रंजीत, रोशन समेत कई सदस्य मौजूद थे। बांका के सम्मुखिया मोड़ के समीप राजद की ओर से गुरुवार को सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व नगर अध्यक्ष गुड्डू यादव ने किया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। गुड्डू यादव ने कहा कि पार्टी के निर्देश पर जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों ने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव में अपनी आस्था व्यक्त। इस दौरान राजद के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांका कटोरिया थाना क्षेत्र के नर्सरी जंगल के समीप गुरुवार की सुबह एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान कटोरिया थाना क्षेत्र के तेलंगवा गांव निवासी चुनचुन यादव के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी चनवा देवी के बयान पर थाना में यूडी केस दर्ज किया गया है। चनवा देवी ने कहा कि बुधवार को चुनचुन यादव घर से निकला था और रात भर वापस नहीं लौटा और गुरुवार की सुबह उसका शव मिलने की सूचना मिली। फिलहाल घटना के कारण का पता नहीं चल सका है, जबकि शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइन। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए प्रधानमंत्री ने युवाओं को फिट रहने के दिए संदेश। सातवें वेतनमान को लेकर विश्वविद्यालय में कभी भी फूट सकता है शिक्षकों का आक्रोश। भ्रष्टा ने अधिकारियों पर टाल मटोल करने का लगाया आरोप। शराब के नशे में उत्पात मचा रहा दो शराबी चरा पुलिस के हत्थे, नाथनगर थाना क्षेत्र से हुआ गिरफ्तार। बांका विकास मंच की ओर से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। विधायक सहित सैकड़ों युवाओं ने किया रक्तदान। और भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को किया याद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।